दोस्तों आज हम आपको मशहूर बॉलीवुड अभिनेता परीक्षित सहनी की जिंदगी की कहानी बताएंगे। जो चाहे सजा दे दो, कैसी भी कसम ले लो, मैं आज अब... दोस्तों परीक्षित सहनी ने कई सफल फिल्मों में काम किया था। जो भी दे, खुशी हो या गम। इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी फिल्मों में काम किया था। परीक्षित सहनी का जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र के भोरी में हुआ था। एक जनवरी 1944 को जन्मे परीक्षित सहनी के पिता मशहूर फिल्म अभिनेता बलराज सहनी थे। ऐ मेरी जोहरा जबीं, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं। बड़े होने पर परीक्षित सहनी फिल्मों के लेखक व डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो फिल्मों के हीरो बन गए। मैं अपने लिए लड़की देख चुका हूँ। कौन है? सन 1968 में उनकी पहली हिंदी फिल्म अनोखी रात रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ अभिनेत्री जहीदा व सह अभिनेता संजीव कुमार थे। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर। फिर धीरे धीरे काफी डायरेक्टरों ने परीक्षित सहनी को अपनी फिल्मों के लिए अभिनेता चुनना शुरू कर दिया। इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में। सन 1970 में उनकी फिल्म पवित्र पापी रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ बलराज सहनी भी थे। देखो वीरा, मैं तुम्हें शाम को पढ़ा दूंगा, अगर और देर हो गई तो जानती हो लाला अतरचंद क्या कहेगा। क्या कहेगा? ये उस समय की काफी अच्छी हिट फिल्म थी। तेरी दुनिया से होके मजबूर। साल 1970 के बाद इन्हें चरित्र किरदार मिलने लगे और इन्होंने इसी में अपने आप को संतुष्ट किया। ऐ मेरे हम कदम, मेरे दिल की धड़कन। परीक्षित सहनी अपने पिता को अपना आदर्श मानते थे, इसलिए उन्हें रोल छोटा मिले या बड़ा उसे अच्छी तरह निभाते थे। कोई समझाए से हकीकत है, तू तो पंछी दो दिन के कबू लेके चले हैं। इसके बाद इन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में भी काम किया था। इनका विवाह अभिनेता देवानंद की रिश्तेदार अरुणा से हुआ था, जिससे इन्हें दो बेटियां और एक बेटा हुआ। तो दोस्तों आपको बॉलीवुड के महान अभिनेता परीक्षित सहनी कैसे लगते हैं, हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।